प्रदेश के राजस्व राज्य मंत्री अनूप प्रधान आगरा पहुंचे, जहां उन्होंने राजस्व अधिकारियों के साथ कलेक्ट्रेट सभागार में समीक्षा बैठक की, जिसमें राज्य मंत्री ने भूमाफियाओं को चिन्हित करने के साथ ही अवैध कब्जेदारों से जमीन मुक्त करने के निर्देश दिए। अलावा इसके बड़े बकायेदारों के खिलाफ राजस्व वसूली अभियान चलाने की भी बात कही। इसके अलावा उन्होंने तहसीलों में शिकायतों के त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए। देखिए, आज मेरे द्वारा राजस्व विभाग की धारा 67, धारा 24, धारा 116, धारा 80 और भी जो अन्य धाराएं 34, 35 सभी धाराओं की, सभी 6 तहसीलों की बिंदुवार समीक्षा बैठक की गई और धारा 24 जिसमें सम्मान हमारे किसानों के किसानों की पैमाइश की जाती है, उस पर जो हमारे 1 साल के 2 साल के 3 साल के उसका समय मैक्सिमम 3 महीने का होता है, तो उसमें जो समय के बाद के थे उन पर काफ़ी चर्चा हुई है और उन्हें जो समय से ज़्यादा के बाद हैं उन्हें तत्काल निस्तारित करने के आदेश जारी किए हैं। और मैं समझता हूँ कि धारा 24 में अच्छा काम हुआ है, धारा 116 में भी काफ़ी अच्छा काम हुआ है, लेकिन धारा 67 जो सार्वजनिक भूमि होती है उस पर कब्जे को लेकर के वो धारा होती है उस पर थोड़ा जरूर सुस्ती देखने को मिली। और धारा 80 में जो कृषि से आकर्षित करते हैं उस पर भी काफ़ी अच्छा काम हुआ है, लेकिन धारा 67 का हमने निर्देश जारी किए कि उसको भी सहसमय निस्तारित करके और जो गरीब और कमज़ोर लोग हैं उनको बेदखल न किया जाए, उनको पहले रहने की व्यवस्था दी जाए उसके बाद उन्हें बेदखल किया जाए। लेकिन जो भूमाफिया लोग हैं जिन्होंने सरकार की सार्वजनिक भूमि पर अगर कब्जा किया है उनको तत्काल बेदखल करके उनसे ज़मीन खाली कराई जाए और उसके साथ साथ उन पर जुर्माना लगा के RC जारी करके RC वसूली जाए इस तरह। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर शेयर जरूर करें और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर से दबाएं।